वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्राइडे को एक मीटिंग हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और उसमें जो है फाइनल ईयर के एग्ज़ाम से रिलेटेड बात की गई। उसमें दो चीज़ रखी गई हैं कि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होने हैं तो पहले इंडिया को जो है डिजिटल बनाइए, उसके बाद जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम लीजिए। दूसरी ये चीज़ रखी गई, अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने हैं तो पहले सिचुएशन ठीक होने का वेट कीजिए और फिर जो है आप एग्ज़ाम लीजिए। तो डिजिटल इंडिया कब तक बनेगा, कितना टाइम लगेगा? चलो कहीं ना कहीं अगर हम इस बात पे यकीन कर भी ले कि ठीक है तुम पहले डिजिटल इंडिया बना लो फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लो, ठीक है। दूसरी चीज़ इन्होंने बोली कि सिचुएशन ठीक होने के बाद फिर जो है एग्ज़ाम लिए जाएं। तो सिचुएशन नहीं पता कब तक ठीक होगी, केसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सीरियस ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आज की ही अपडेट है कि टोटल कितने केस हो चुके हैं इंडिया में, कितनी सारी डेथ हो चुकी हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम क्या वेट करेंगे अब कि कब जो है ये ठीक होगी सिचुएशन, उसके बाद हमें डिग्री मिलेगी और तब तक हम ऐसे ही टेंशन में जीते रहेंगे कि एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। ये चीज़ जो है स्टूडेंट के साथ बहुत गलत की जाएगी अगर ऐसा कुछ होता है। तो आप खुद देख लीजिए कि इस साल तक तो आप लगा लो कि इस साल के एंड तक जो है मुश्किल है कि ये सिचुएशन ठीक हो पाए, तब तक जो है हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट क्या करेंगे? क्या हम सिर्फ इस चीज़ का, अब इतने दिनों से हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि कोई भी ना तो फाइनल डिसीजन हो रहा है ना स्टूडेंट्स के हक की बात हो रही है, सिर्फ कंफ्यूज किया हुआ, टेंशन दी है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है स्टूडेंट्स को कि एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, आज ये हो गया आज वो हो गया, आज UGC ने न्यू अपडेट दे दी, कभी किसी ने कुछ बोल दिया कभी किसी ने कुछ बोल दिया। नहीं मतलब स्टूडेंट पागल है क्या? मतलब उनका इतना एक तो टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम, ना वो कुछ और पढ़ पा रहे हैं इस वजह से, इतनी सारी बस यही है कि यार क्या होगा क्या होगा, ये हो सकता है वो हो सकता है, ये चीज़ गलत है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों में जी रहे हैं आजकल, जो हमारा मेन काम है उस चीज़ पे तो हम फोकस कर नहीं पा रहे हैं इस सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? देखो जो मीटिंग वाली बात है वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले एक चीज़ आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी कि देखो जो होगा वो तो होगा ही, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ टेंशन लेने से जो है बात ठीक होगी नहीं, या तो हम इसके अगेंस्ट कुछ करें तब जो है इस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर जो है आप साथ में अपना पढ़ते रहो। यहाँ पे जो है आप अपना दिमाग इतना ख़राब मत करो कि आप जो है बिल्कुल ही आपका पढ़ाई से ध्यान हट जाए और आप बिल्कुल कुछ ना पढ़ पाओ, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो करो पूरे दिन में, पूरा दिन ऐसे ही अपना वेस्ट ना करें, थोड़ा बहुत ही पढ़ो बट पढ़ो जरूर, चाहे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो चाहे आप जो है अपने कॉलेज वाले एग्ज़ाम का पढ़ो, क्योंकि नॉलेज आपके कहीं ना कहीं काम तो ज़रूर आएगी, चाहे एग्ज़ाम हो चाहे ना हो वो चीज़ अलग है, बट जो आप नॉलेज गेन करोगे वो कहीं ना कहीं जो आपकी हेल्प ज़रूर करती है, ठीक है। तो आप उसमें तो आपका कोई घाटा नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो ज़रूर आपका लॉस है बट पढ़ने के बाद आपका कोई भी लॉस नहीं है। सो मैं यही कहूँगी आप जो है इन सारी चीज़ों से टेंशन ना लें, इस चीज़ का प्रेशर जो है ना लें और जो है अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। हाँ मुझे पता है कि इन सब चीज़ों से डिस्टर्बेंस होती है बट ठीक है हो रही है थोड़ी बहुत, पर जितना हो सके इस चीज़ को अवॉइड करके अपनी जो है पढ़ाई पे थोड़ा बहुत चाहे अपना ध्यान लगाने की कोशिश करो और जो है अपनी पढ़ाई भी साथ में जो है करते रहो, क्योंकि अब जो है ये एक राजनीतिक मामला बन चुका है। जैसे कि मैं आपको बताऊं BJP जो है वो चाहते हैं एग्ज़ाम होने चाहिए, कांग्रेस जो है उनको अब यहाँ पे एक अच्छा बेनिफिट मिल गया कि मतलब होता ही है पार्टी का आपस में, तो उनको अभी ये हो रहा है कि भाई एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए तो वो इस चीज़ के विरोध में ही बोलेंगे, है ना। तो अभी जो फ़िलहाल जो इन्फॉर्मेशन है वो यही थी कि जो कांग्रेस के जो नेता थे कपिल वरिष्ठ नेता, तो इन्होंने ये बोला कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट के एग्ज़ाम अगर सितंबर के अंत में अगर कराना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ठीक है ऑनलाइन कराने हैं तो आप पहले जो है इंडिया को डिजिटल इंडिया बना दीजिए, उसके बाद जो है आप एग्ज़ाम ले लीजिए। इन्होंने जहाँ पे ऑनलाइन की बात की वहीं पर जो पूर्व HRD मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि कोरोना की महामारी का संकट ख़त्म होने के बाद जो है एग्ज़ाम लेने चाहिए।
तो भाई हम इस चीज़ का वेट नहीं कर सकते। स्टूडेंट को डिग्री चाहिए, उन्होंने फॉर्म फिल करना है, आगे किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, वो कब तक इस चीज़ का वेट करते रहेंगे? आप जो है स्टूडेंट्स के बारे में क्यों नहीं सोच रहे कि इस टाइम पे उनके उनकी हालत क्या है, वो किस टेंशन से जो है इस टाइम पे गुजर रहे हैं, आप उनके बारे में सोचिए। बाकी की भी कुछ, इवन कुछ यूनिवर्सिटी खुद कहती है कि भाई हम स्टूडेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, बट वही यूजीसी की गाइडलाइंस, कुछ स्टेट है लाइक पंजाब के सीएम है, दिल्ली के सीएम है, वो बोल रहे कि हम तो चाहते हैं कि हमारे स्टेट के स्टूडेंट को प्रमोट किया जाए, फिर वही यूजीसी की गाइडलाइंस, यूजीसी की गाइडलाइंस का इतना विरोध किया जा रहा है, उसके बावजूद भी इन्होंने बिल्कुल कोई भी यहाँ पे अपने डिसीजन में ज़रा सा भी चेंज नहीं किया है, और ना ही ऐसा कुछ अभी तक आया है कि हाँ भाई वो चेंज कर सकते हैं। अब जो है, जैसे कल आपको बताया सुप्रीम कोर्ट वाली बात, अब हमें वहीं से है कि कुछ ना कुछ जो हमारा हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है। मोदी जी को लेटर भेजा था, आज तक उसका रिप्लाई आया नहीं है। सारे स्टूडेंट एक चीज़ और यहाँ पे क्या करो, आप ट्विटर पे जितना हो सके इस टॉपिक को आप ट्रेंडिंग में लेके आ करो, जितना हो सके टैग किया करो, हैशटैग यूज़ करके कि से नो टू यूजीसी न्यू गाइडलाइंस एंड कुछ भी कि एग्ज़ाम कैंसिल करो। जो भी आपने जो है आपने इस चीज़ को अगर ये ट्रेंडिंग में आता तो उस चीज़ का भी जो है इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों पे। तो आप जो है एक तो वो चीज़ किया करो, दूसरा अपना तो वही पढ़ना तो है ही है साथ में। इसके अलावा मीटिंग में इन्होंने ये कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि आप एग्ज़ाम मत दीजिए, ठीक है, बट हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं परीक्षा उस वक्त लीजिए तब जो है सिचुएशन सामान्य हो, बिल्कुल ठीक हो, सब कुछ चीज़ें कंडीशन नॉर्मल हो, उसके बावजूद जो आप एग्ज़ाम लीजिए। फिलहाल के लिए जो है स्टूडेंट्स को प्रमोट कर देना चाहिए जो भी उनका प्रीवियस रिजल्ट है, और यूजीसी को जो है इस चीज़ पर दोबारा से विचार करना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए सोचना चाहिए। और वहीं पे फिर जो है कपिल ने सरकार का तंज कसते हुए कहा, आप डिजिटल इंडिया के बारे में बात करते रहते हैं लेकिन देश को डिजिटल तौर पर नहीं जोड़ते हैं, यह किस तरह की राजनीति है? पहले डिजिटल इंडिया बनाइए और फिर डिजिटल परीक्षा लीजिए। बात सही है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास जो है मोबाइल फ़ोन नहीं है, ठीक है, इंटरनेट की जो है फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो उन स्टूडेंट के बारे में सोचिए। अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम लेते हैं तो पहले उन सारे स्टूडेंट तक जो है इंटरनेट की जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए, उनके पास फ़ोन हो, जिनके पास मतलब जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन एग्ज़ाम उनके लिए, उनके पास प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो वो ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाने का सोचा था कल वाली वीडियो में, उसमें जो आपको साफ साफ जो है दिख ही रहा होगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए उसके बाद उनकी कैसी हालत हुई है, किसका एग्ज़ाम डाउनलोड नहीं हुआ क्वेश्चन पेपर, सॉरी, किसी को कुछ दिक्कत आई, किसी को कुछ दिक्कत आई, और जो है वो सारा ही जो उनका प्लान जो उन्होंने बनाया था वो सब कुछ ही फेल हो गया। दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में अगर ये चीज़ जो है अप्लाई नहीं हो पा रही, तो बाकी यूनिवर्सिटी और जो छोटी मोटी यूनिवर्सिटी है उनसे हम ये चीज़ कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ के स्टूडेंट्स जो है कैसे इस सिचुएशन में जो है एग्ज़ाम दे पाएंगे? ना तो ऑनलाइन दे सकते हैं ना ऑफलाइन दे सकते हैं, और इस चीज़ को जो है गवर्नमेंट को समझना चाहिए, यूजीसी को समझना चाहिए, एचआरडी को समझना चाहिए, एचआरडी मिनिस्ट्री को, कि भाई इस टाइम पे जो है एग्ज़ाम नहीं लेने चाहिए, और स्टूडेंट्स को एटलीस्ट एक तरह से ये टेंशन तो ख़त्म कर देनी चाहिए कि भाई हम आपके लिए सोच रहे हैं, आप ये ऐसे होगा आपको प्रमोट कर देते हैं ये वो, कुछ नहीं, वो सिर्फ जो है अपनी ही यहाँ पे राजनीति ज़्यादा चल रही है, स्टूडेंट्स के लिए कम सोचा जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया की कैसी कंडीशन है। बहुत सारी फैमिली ऐसी है जिनकी इतनी इनकम नहीं है कि वो स्मार्टफोन खरीदें। और मैं यूजीसी और एचआरडी मिनिस्ट्री से एक चीज़ बोलना चाहूँगी यहाँ पे, आपको ज़्यादा एग्ज़ाम एग्ज़ाम की हो रही है तो ठीक है, आप लो एग्ज़ाम, हम ठीक है तैयार है, सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। जिन भी स्टूडेंट के पास फ़ोन नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, पहले वो प्रोवाइड करवा दीजिए। अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने हैं तो आप एक काम कर दीजिए, ऑफलाइन एग्ज़ाम भी ले लीजिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी होता है तो आप खुद इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, जितना भी खर्चा आता है हॉस्पिटल का, वो सारा आप पे करोगे, और उस चीज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हो गए। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो जाइए और स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो जाएंगे।
सो गवर्नमेंट को जो है इस चीज़ को देखते हुए जो है यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए, ना कि सिर्फ जो है उन्होंने अपनी राजनीति यहाँ पे करनी चाहिए। एटलीस्ट इस टाइम पे स्टूडेंट्स जो है इंडिया का फ्यूचर हैं, तो एटलीस्ट उनके बारे में उनको सोचना चाहिए। सो यही अपडेट मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर डेली अपडेट्स। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।